भगवान द्वारका में रहने लगे। रुक्मणी जी को पहला पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न। प्रद्युम्न को जन्म लेते ही संबरासुर नाम का दैत्य चुरा के ले गया और उसने उसको समुद्र में बहा दिया। समुद्र में प्रद्युम्न को एक मछली निगल गई। मछली निगल गई, मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया और मछुआरे ने जब उसको अपनी उदर पूर्ति के लिए उसका पेट चीरा तो उसमें बालक निकला। उस बालक को उसने संबरासुर राजा के यहां भेज दिया। संबरासुर के यहां भेज दिया। संबरासुर के यहां भोजन बनाने वाली, उसका नाम था विद्यावती। प्रद्युम्न का अवतार कामदेव जी का अवतार था और विद्यावती कामदेव जी की घरवाली। नारद जी ने विद्यावती को बताया कि ये जो आप बालक को खिलाती हो ये आपका पति है। नारद जी ने विद्यावती को बताया। विद्यावती बड़े प्यार से उसका लालन पालन करती, खिला पिला के। और जब वो प्रद्युम्न जी बड़े हो गए, उन्होंने संबरासुर को मार के और भगवान के यहां द्वारका आ गए। इतने समय में भगवान के 107 विवाह और हो चुके। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती का विवाह हुआ, ये जाम्बवंत की बेटी है। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह कालिंदी के साथ। पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ। छठवा नागनजती के साथ। सातवा भद्रा के साथ और आठवा लक्ष्मणा के साथ। और 16,100 विवाह। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसके मन में एक कल्पना थी कि मैं 20,000 लड़कियों से एक साथ विवाह करूंगा। वो जगह जगह जाता और कन्याओं को चुरा के लाता, अपने बंदी गृह में बंद कर देता। तो उसने धीरे धीरे 16,100 कन्याएं इकट्ठी कर ली। भगवान को पता लगा, भगवान भौमासुर के यहां पहुंचे, भौमासुर का उद्धार किया और उन कन्याओं को कैद से मुक्त कराया। भगवान बोले, आप सब अपने अपने घर को जाओ। तो वो कन्याएं कहने लगी, प्रभु अब हमको हमारा घर वाला कौन रखेगा, हमारे माँ बाप कैसे रखेंगे, क्योंकि हम बहुत दिन से भौमासुर के यहां हैं, न हमारे साथ कोई विवाह करेगा, हम तो अपने मन में आपको ही अपना वर मान चुके। भगवान ने कहा कि चलो ठीक। भगवान ने एक साथ 16,100 के साथ में विवाह कर और 16,108 द्वारिका में भवन बनवा दिए गए। भगवान 16,108 के साथ सभी भवनों में। बड़े प्रेम प्यार से भगवान की पत्नियां रहती हैं, समय समय आने पर ये रूठती भी हैं, भगवान मनाते भी हैं। सबसे ज्यादा स्नेह भगवान का रुक्मणी जी पर। एक बार नारद जी ने सोचा कि 16,108 रानी है, देखूं तो सही जाके भगवान किस किस के पास रहते हैं। तो नारद जी सब रानियों के भवन में जाते हैं, देखें भगवान कहीं बालक को खिला रहे हैं। दूसरे भवन में जाए भगवान कोई और काम कर रहे हैं। भगवान तीसरे में जाए भगवान लेटे हुए हैं। सब भवनों में, कई भवनों में गए तो भगवान अलग अलग अवस्थाओं में।
एक बार भगवान के मन में आया कि मैंने कभी रुक्मणी के चेहरे पर क्रोध नहीं देखा।